हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में सुनबहरी लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोगी द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल का हम जवाब देंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुष्ठ रोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये शामिल है। भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में कुष्ठ रोगियों को दवा देती है, हर अस्पताल में आपको उपलब्ध रहता है। लेकिन बहुत सारे सुनबहरी और लेप्रोसी के मरीज जो हैं एमडीटी के दवा एक साल तक लगातार खाने के बाद भी उनका लेप्रोसी समाप्त नहीं होता है और उसका कई तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे शरीर का काला होना, जॉन्डिस होना, आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब करते समय जलन, अन्य कई प्रकार को आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और एमडीटी का एक साल का पूरा कोर्स चलने के बाद भी उनका कुष्ठ रोग सुनबहरी समाप्त नहीं होता है तो रोगी को चिंता करना स्वाभाविक है। उनके पास कई विकल्प आता है। एलोपैथ चिकित्सा तो करा चुके रहते हैं लेकिन जड़ से ठीक नहीं होने के कारण वो संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए होम्योपैथ को एक बार अपनाना चाहते हैं। और उनका एक महत्वपूर्ण सवाल हमेशा आता है, क्या एलोपैथ यानी एमडीटी के दवा के साथ साथ क्या होम्योपैथिक दवा भी चल सकता है? बिल्कुल आपका चल सकता है दवा, आपको दवा लेने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। यदि आप लेप्रोसी का दवा ले रहे हैं, होम्योपैथिक दवा ही आप लेप्रोसी के लिए ले रहे हैं, यदि बीच में यदि कोई बीमारी यदि हो जाता है तो थोड़े दिनों के लिए दो चार खुराक दवा लेने में, एलोपैथ दवा को लेने में किसी भी तरह का आपको परेशानी नहीं आएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपको हाइड्रोकोटाइल, ये हाइड्रोकोटाइल मेडिसिन हमने आपको कई बार हम बता चुके हैं कि जैसे ही लेप्रोसी कुष्ठ रोग आपको मालूम चले, जैसे ही आपको मालूम चले लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ये आप इसको हाइड्रोकोटाइल दवा दे सकते हैं। दो बूंद 30 आपको दिन में तीन बार डायरेक्ट जीभ पर लेनी है अथवा पानी के साथ भी ले सकते हैं। किसी भी फार्मेसी, किसी भी चिकित्सक के सलाह से आप ले सकते हैं और साथ साथ आपको चलाने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आता है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ता है। अगर आपको कुष्ठ रोग बहुत भयंकर है और एमडीटी से आपको फायदा पहुंच रहा है और उसमें आप छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये भयानक बीमारी है और आपको ये घाव बना लिया है, तो इसमें आपको साथ साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ साथ लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होम्योपैथिक दवा ही आप खाइएगा तो उसी से ठीक हो जाता है। फिर भी यदि आपको लगता है या अन्य शरीर में कोई बीमारी है और आप उसका दवा ले रहे हैं एलोपैथ दवा, तो उसके साथ यदि आप सुनबहरी और लेप्रोसी या कुष्ठ रोग की दवा आप लेना चाहते हैं तो आप निधड़क लें, कोई चिंता नहीं करें, बिल्कुल आपको किसी भी तरह का डरने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथ दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी जीरो साइड इफेक्ट, लेने में आसान, आपको खाने में आसान, लंबे दिनों तक भी लेने में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार आप एमडीटी लेते हैं कई तरह का साइड इफेक्ट होता है, उसी तरह से होम्योपैथिक दवा में बिल्कुल ही साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक साल तक या कुछ प्लस भी लग सकता है, किसी किसी मरीज को होम्योपैथ दवा खाने से बिल्कुल जड़ से चला जाता है, कई मरीजों का ये बहुत बेहतरीन ढंग से उपचार करने में सक्षम है। मरीज को थोड़ा फल फ्रूट्स लेनी चाहिए और इसमें चमड़ा थोड़ा मोटा होने लगता है और वहाँ का चमड़ा सुन हो जाता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है और नाखून गिरने लगता है। तो आज के
वीडियो में बस मेरा कई वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि एलोपैथ के साथ साथ होम्योपैथ दवा चलेगा कि नहीं चलेगा, यदि आपको लेप्रोसी है बिल्कुल साथ में ले सकते हैं, लेप्रोसी ही नहीं अन्य कोई भी बीमारी है और उसके साथ में आप अगर पहले से कोई दवा एलोपैथ ले रहे हैं दूसरे बीमारी का, तो उसके साथ होम्योपैथ दवा बिल्कुल आप ले सकते हैं। या लेप्रोसी की बीमारी में यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई ज़्यादा भयंकर आपका लेप्रोसी है, थोड़ा बढ़ा हुआ है, साथ साथ भी होम्योपैथिक दवा चलाएं, तो बेशक आपको चलाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ज़रूरत हो तब है, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है। होम्योपैथिक दवा लेने के बाद ही धीरे धीरे ये आपका ठीक होने लगता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्योर हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो लेप्रोसी के मरीज का कोई भी सवाल हो वो आप व्हाट्सएप के नंबर से आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533, यानी 9807755533 पर आप किसी भी तरह का सवाल हो, आप कोई भी सवाल क्यों ना हो, कुष्ठ रोग संबंधी आप सवाल कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो आपका उसका समाधान किया जाएगा। हरा सब्जी फल फ्रूट्स आप हेवी डाइट लें, और एक तरह का एक क्षय रोग ही है, यानी टीबी है एक तरह का चमड़े का, इसमें आपको हेल्दी खाना लेना महत्वपूर्ण है। इसलिए एलोपैथ में रिफामसिन इसकी दवा होती है, क्योंकि ये कोढ़ रोग अच्छे से खाने पीने के अभाव के कारण, कुपोषण के कारण आपको ये बीमारी लगता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के प्रश्न आपका उत्तर मिल गया होगा। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।